2047 विकसित भारताच्या उभारणीत स्टार्टअपची मोठी भूमिका आहे. आजचे स्टार्टअप्स भविष्यातले युनिकॉर्न डेकाकॉर्न आहेत असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं. ते आज भारत मंडपम इथे आयोजित स्टार्टअप महाकुंभच्या समारोप प्रसंगी उदयोन्मुख संशोधक उद्योजक आणि भागधारकांना मार्गदर्शन करत होते. 12 लाख युवक स्टार्टअप्सशी जोडलेले आहेत. देशातल्या स्टार्टअप क्रांतीचं नेतृत्व छोट्या शहरांमधले युवक करत आहेत. यापैकी 45% अधिक स्टार्टअप नेतृत्व महिला करत आहेत असं ते म्हणाले. आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है. 2014 में जहां देश में कुछ 100 स्टार्टअप भी नहीं थे, आज भारत में करीब 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और इनसे करीब 12 लाख नौजवान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं. हमारे पास 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं. हमारे स्टार्टअप ने लगभग 12,000 पेटेंट्स फाइल किए हैं. हमारे 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स इसका नेतृत्व महिलाएं कर रही है, नारी शक्ति कर रही है. नवोन्मेषाची संस्कृती देशाबरोबर जगाच्या उत्तम भविष्यासाठी आवश्यक आहे. G20 मध्ये स्टार्टअप्सला विकासाचं नैसर्गिक इंजिन मानण्यात आलं असं त्यांनी सांगितलं. भारत ने अपना ये विजन अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान स्पष्ट किया है. इसी प्रिमाइसिस में G20 समिट हुई. विश्व के सभी बड़े नेता कोविड के बाहर दुनिया को कहां ले जाना इसके लिए खड़े बैठे थे और इसी मंडप पे मेरा देश का यंग माइंड बैठा है जो 2047 तक जाने का रास्ता तय करने वाला है. भारत ने स्टार्टअप 20 के तहत दुनिया भर के स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक साथ लाने का प्रयास किया है. इसी भारत मंडपम में G20 के दिल्ली डिक्लेरेशन में पहली बार स्टार्टअप्स को न सिर्फ इंक्लूड किया गया बल्कि उन्हें नेचुरल इंजन ऑफ ग्रोथ भी माना गया. आज जे स्टार्टअप यशस्वी होत आहेत त्यांनी शाळा महाविद्यालयांमध्ये युवकांना दिशा दाखवावी असं आवाहन पंतप्रधानांनी केलं. यावेळी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल उपस्थित होते. 21वं शतक स्टार्टअप्सचं शतक आहे असं गोयल यांनी यावेळी सांगितलं. तत्पूर्वी पंतप्रधानांनी स्टार्टअप महाकुंभमध्ये आयोजित प्रदर्शनालाही भेट दिली. या महाकुंभामध्ये 2,000 अधिक स्टार्टअप्स 1,000 गुंतवणूकदार 100 अधिक युनिकॉर्न आणि 300 अधिक इन्क्युबेटर्स आणि प्रवेगक सहभागी झाले होते.